हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9, जिसका नाम है भारत वैभवम, अर्थात भारत वैभव, भारत की यश, भारत की कीर्ति, भारत की प्रसिद्धि, भारत के आदर्श, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की हर एक बात जिसको दुनिया गौर से सुनती है, जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, अनुसरण करती है और विश्व गुरु मानती है। ऐसा क्या कुछ है भारत में जो ये सदियों से दुनिया का सबसे महान देश है, उस सब के बारे में वर्णन किया गया है इस पाठ में, जिसका नाम है भारत वैभवम। इस पाठ के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो हमारे हिंदू सनातन धर्म के चार बड़े संप्रदाय होते हैं, अर्थात चार बड़े बड़े अलग समाज होते हैं, जिनमें भगवान को पूजा करने का अलग अलग पद्धति सिखाई जाती है, जीवन शैली बताई जाती है। तो वो चार संप्रदायों में से जो एक संप्रदाय है, जो सबसे प्रमुख संप्रदाय माना जाता है, उसके अधिपति, उसके मुख्य आचार्य, प्रधान आचार्य, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कुछ वर्ष पहले ही चले गए हैं, श्री निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क एक संप्रदाय है, उसके प्रमुख आचार्य जो होते हैं वे निम्बार्क आचार्य होते हैं, उन्होंने ये पाठ लिखा है। उन निम्बार्काचार्य का नाम था श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी, जिन्हें प्रेम से उपाधि में श्री जी महाराज भी कहा जाता है। ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के किशनगढ़ तहसील के पास में श्री निम्बार्क तीर्थ नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनकी प्रधान पीठ है, श्री निम्बार्क धाम है। वहाँ के पूर्व आचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी, उन्होंने ये पाठ लिखा है, जो बहुत ही मधुर और आनंददायी पाठ है। इस पाठ को पढ़ करके हम सभी को ये ज्ञात होगा कि ये जो हमारी भारत भूमि है, इसकी कितनी महत्ता है। पूरी दुनिया में जो कुछ भी नहीं है, वो हमारे देश भारत में है। ये इतना महान क्यों है, इसका वर्णन उन निम्बार्काचार्य ने किया है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब ये पाठ हम शुरू करते हैं। पाठ की शुरुआत में इसकी भूमिका दी गई है, जो इस पेज की शुरुआत में जो 5 लाइन आप देख रहे हैं, वे इस पाठ की भूमिका है। भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भूमिका से ही आपके पूरे पाठ का प्रसंग और संदर्भ बनता है। भूमिका में ही आपको पता लगता है कि पाठ में किस बात का वर्णन है, क्या क्या वर्णन है और किसने वर्णन किया है, रचनाकार इत्यादि बहुत सी बातें जो हैं वो हमें इस पाठ की भूमिका में ही पता लगती है, जो शुरुआत में दी जाती है। आइए अब इस पाठ को शुरू करें। उससे पहले ऊपर की 5 लाइन भूमिका में जो लिखी है, उसे हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इसकी व्याख्या अक्सर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आती है, तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। पाठ शुरू करते हैं। सबसे ऊपर लिखा है, प्रस्तुतोयम पाठ भारत भारतीय वैभवम इत्याख्य ग्रंथात संकलितः। ये प्रस्तुत पाठ जो है वो भारत भारतीय वैभव नाम के ग्रंथ से लिया गया है। ये जो पाठ है, ये भारत भारतीय वैभव नाम के ग्रंथ से लिया गया है। अस्य महनीय ग्रंथस्य, महनीय यानी महान, इस महान ग्रंथ की या के रचनाकार श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर, जो कि श्री निम्बार्काचार्य जो है, निम्बार्क धाम जो है, उसकी प्रमुख पीठाधीश्वर अधिपति जो थे श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते, मतलब दिया है, तो अब जो नहीं है, थे जो हुए हैं, वह हैं श्री जी महाराज। आगे दिया है, मातृभूमि है भारतस्य, मातृभूमि भारत की, भारत्याच और भारतीयों की, संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा में वंदनात्मक वंदना करते हुए सुंदर यानी सुंदर गीति काव्यम एतदस्ति। गीति काव्यम है ये, इसे गाया जाता है, इसे गुनगुनाया जाता है, क्योंकि ये गीति काव्यम है, ये संस्कृत का एक गीत है, इसलिए इसको गीति काव्यम कहा जाता है। एतदस्ति यह है, अत्र गीता गंगा गावश्च, यानी यहाँ पर गीता गंगा और गाय, गावश्च मतलब गाय, इत्येवं गकार त्रयी, ऐसे गकार, गकार मतलब जिनके शुरुआत के पहले शब्द ग से हो, उन्हें बोलते हैं गकार। जैसे गीता गंगा और गाय, इन तीनों शब्दों में पहला शब्द किससे आ रहा है, ग से, तो ये हो गए गकार। और त्रयी मतलब होता है तीन, जो गकार त्रयी हैं, तीन हैं,
अपि सुष्टु वर्णिताः, अपि इनका यहाँ सुष्टु मतलब सुंदर, वर्णिता है यानी वर्णन किया गया है। अत्र संग्रहितः ग्रंथस्य अस्य स्वल्प अंश एव एतावत् कलात्मक, यानी कि इस ग्रंथ का एक छोटा सा भाग ही इतना कलात्मक, सर्वांग सुंदर यानी कि बहुत सुंदर, मधुराश्रति और बहुत ही मधुर है। यत बंकिम चंद्र से वंदे मातरम इति गीतम अनायासः स्मरयति, जो कि बंकिम चंद्र के वंदे मातरम गीत का अनायास ही स्मरण कराता है। जो हम अक्सर हमारे स्कूल में प्रार्थना में राष्ट्रगीत गाते हैं वंदे मातरम, वे जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा था उस गीत की हमें याद आएगी जब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, तो क्योंकि इस पाठ में जो शब्द हैं वो काफ़ी हद तक हमारे संस्कृत में ही जो राष्ट्रगीत लिखा गया है वंदे मातरम उससे मिलते जुलते हैं, और जो बात वंदे मातरम में लिखी गई है कुछ बातों को अपने ही तरह के लेकर के इसके जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं जिनका नाम है श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज ने अपने अंदाज में लिखा है। तो यहाँ से अब आपका पाठ शुरू होता है। अभी हमने इसकी भूमिका पढ़ी, भूमिका में हमें समझ में आया कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर। ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ भारत भारती वैभवम ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में किसका वर्णन है? इस पाठ में भारत भूमि का और भारतीय जो यहाँ के लोग हैं भारतीय उनका, या भारत्य का मतलब होता है एक प्रकार से, दो शब्द हैं जो भारतीय लिखा हुआ है। ये भारतीय यानी भारतस्य यानी भारत के, भारतीय मतलब सरस्वती माँ भारती का भी वर्णन है, या आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं तो भारतीयों का भी वर्णन है कि भारतीय कैसे होते हैं। उसके बाद में दिया हुआ है ये गीत कैसा है। ये गीत एक सुंदर वर्णन गीती काव्य है जिसमें गीता गंगा और गाय इन तीनों का तीन गकार का समावेश के साथ वर्णन किया गया है। ये छोटा सा गीत है जो कि बहुत ही कलात्मक, सर्वांग सुंदर और मधुर है, जो कि हमें किसकी याद दिलाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत की याद दिलाता है। आइए अब इस पाठ को हम शुरू करें, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे एकाग्रता के साथ। लिखा है भारत वैभवम अर्थात भारत का वैभव। पहला श्लोक है, पहले श्लोक की पहली लाइन में लिखा है वंदे नितराम भारत वासुदाम। इसके जो रचनाकार हैं वे कहते हैं वंदे मतलब वंदना करता हूँ, नितराम मतलब सतत हमेशा, किसकी? भारत वासुदाम भारत की भूमि की मैं हमेशा वंदना करता हूँ। क्यों? जो कैसी है? जो कि दिव्य हिमालय, दिव्य हिमालय वाली, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सारम, जो कि गंगा यमुना सरयू और कृष्णा ये चार जो नदियाँ हैं जो कि बहुत ही पवित्र मानी जाती है, बहुत ही पुण्यदायी और हमारे देश की बड़ी नदी मानी जाती है। आप सभी इन नदियों से परिचित होंगे, आपने इनका नाम सुना होगा गंगा यमुना सरयू कृष्णा, जो इनसे शोभित सारम सुशोभित है, सुंदर लगती है, इन चार नदियों से जो सुशोभित है और दिव्य हिमालय वाली है। हिमालय क्या करता है? हमारे देश की रक्षा करता है। तो हिमालय और गंगा यमुना सरयू कृष्णा नदियों से शोभित है ऐसी भारत वसुधा को मैं वंदे करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ऐसा पहला श्लोक का अर्थ हुआ। अब आइए दूसरे श्लोक पर ध्यान दें, ध्यान से पढ़ेंगे। मुनिजन देवर अनिशम पूज्याम जलधि तरंगे रंचित सीमाम। मुनिजन यानी संत महात्मा, देवी, देवी मतलब देवता, ईशम मतलब जो उसकी पूजा करते हो, ईश अनिशम मुनिजन देवे रनिशम जो उनकी नित्य नित्य, ईशम मतलब होता है अनिशम मतलब होता है नित्य, और जो मुनिजन है, मुनिजन यानी देवताओं के द्वारा, मुनिजन देवे मतलब देवताओं के द्वारा, अनिशम मतलब नित्यम हमेशा। आगे लिखा है पूज्याम, पूज्याम मतलब जो पूजनीय है। जलधि तरंगे रंचित सीमाम, जलधि तरंगे मतलब क्या होता है? समुद्र की लहरें। रंचित सीमाम मतलब क्या होता है? उसके द्वारा सुशोभित जो बनाई गई है उसे बोलते हैं रंचित सीमाम। रंचित सीमाम यानी सीमाम मतलब होता है सीमा वाली, रंचित मतलब सुंदर सुशोभित,
होती हों। किससे? जलधि, जलधि मतलब समुद्र, तरंगें मतलब लहरों से। जो जगह समुद्र की लहरों से सुशोभित होती है, सुंदर लगती है, ऐसी सीमा वाली। आगे दिया है भगवान लीला, भगवान की लीला वाली धाममयी, जहाँ भगवान ने जन्म लिया और लीलाएं की, वैसी भगवान की लीला वाली धाममयी, धाम जहाँ भगवान आकर के रहे, उन्होंने लीला की, वैसे धाम वाली। ताम यानी उन, नाना तीर्थे भ्रमणीयाम, नाना मतलब होता है अनेक, तीर्थे भ्रमणीयाम, तीर्थे मतलब तीर्थ, अभिरमणीयाम मतलब होता है सुंदर लगने वाली, शोभा बढ़ाने वाली, शोभायमान। तो मैं अनेक तीर्थों के द्वारा जो शोभा मान है उस भारत भूमि को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। ये दूसरा श्लोक था। एक बार पुनः इसका अर्थ, दोनों लाइन का अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। लिखा है पहली और दूसरी लाइन का अर्थ है, मुनिजनों और देवताओं के द्वारा निरंतर पूजनीय, समुद्र की लहरों से सुशोभित सीमा वाली, भगवान की लीला का निवास स्थान, जहाँ भगवान ने आके लीला की, उनका निवास स्थान धाम, यानी विभिन्न तीर्थों से शोभायमान, अलग अलग तीर्थों से शोभा बढ़ाने वाली भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। कैसे? नितराम यानी कि निरंतर वंदना करता हूँ। अब आइए तीसरे वाले श्लोक में। पहली वाली लाइन में लिखा है, अध्यात्म धरित्रीम, जो कि अध्यात्म की, धर्म की धरित्री है, जो कि धर्म की, अध्यात्म की भूमि है, गौरवपूर्णा, जो कि बहुत ही गौरव, गर्व से परिपूर्ण है, शांति वहाम, जहाँ पर शांति निरंतर बहती हो, मन को जहाँ शांति मिलती हो, ऐसी शांति दायक, श्री वरदाम सुखदाम, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, वरदाम यानी वरदान देने वाली, सुखदाम यानी सुख देने वाली, श्री वरदाम सुखदाम, वरदाम यानी वरदान, लक्ष्मी, श्री मतलब लक्ष्मी, वरदाम यानी प्राप्त करने वाली, सुखदाम यानी सुख देने वाली। चौथी लाइन में ध्यान देंगे, सस्य श्यामला, ये शब्द हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में आता है, आपने पढ़ा होगा, तो सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम आता है, तो सस्य श्यामलाम आप लोगों ने आज तक पढ़ा है, इसका अर्थ क्या होता होगा, कभी आपके मन में ये शंका भी जागृत हुई होगी। आइए आज इसका अर्थ आपको बताते हैं। सस्य श्यामलाम मतलब होता है जो धन धान्य से परिपूर्ण हो, उसे बोलते हैं सस्य श्यामलाम, जहाँ धन और धान बहुत होते हों। आगे लिखा हुआ है कलित मामलाम, कलिताम मतलब कि ललिताम, अम्लम मतलब कि जो निर्मल है, ये दो शब्द हैं कलिताम अम्लम। कलिताम मतलब क्या होता है, जो बहुत ही सुंदर हो, और अम्लम मतलब क्या होता है, जो बहुत ही स्वच्छ हो, निर्मल हो। कोटि कोटि जन सेवित मुदिताम, कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों, जन सेवित मुदिताम मतलब क्या होता है, जन यानी लोग, सेवित मुदिताम लोगों से प्रसन्न हो, उनकी सेवा करती हो, जिसके द्वारा करोड़ों करोड़ लोग सेवा करते हैं, और मुदिताम यानी कि जो प्रसन्न होती है, कौन सी, भारत माता। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब हुआ जो कि अध्यात्म की भूमि है, गौरव से परिपूर्ण है, शांतिदायक है, शांति देने वाली है, और लक्ष्मी को सुख देने वाली है, लक्ष्मी का जो हमें सुख है वो देने वाली है, धन धान्य से परिपूर्ण है, और किससे परिपूर्ण है, धन धान्य से परिपूर्ण है, सुंदर है, निर्मल है, और करोड़ों लोगों से प्रसन्नता पूर्वक सेवित, ऐसी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। ये आपका तीसरा श्लोक बहुत सरल था। अब आइए चौथे श्लोक पर, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्लिष्ट कठिन शब्द हैं। बताया गया है वीर कदम्बय रति कमनीयाम, वीर कदम्बय रति कमनीयाम, वीर मतलब वीर, कदम्बय, कदम्बय मतलब वीर, कदम्बय रति कमनीयाम, वीर कदम यानी कि वीर पुरुषों के कदम यानी समूह, रति कमनीयाम यानी सुमनोहर, सुंदर लगने वाली, ठीक है, वीर पुरुषों के समूह से सुशोभित, सुधि जनश्य यानी विद्वान लोगों के द्वारा, परम उपास्याम जिसकी परम उपासना की जाती है, ठीक है,
इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? जो वीर पुरुषों के समूह के द्वारा सुशोभित होती है और सुदिजनेश यानी कि विद्वान ज्ञानियों के द्वारा परम उपासनीय है। अगली लाइन लिखा है वेद पुराण नित्य सुगीताम, वेद और पुराण जिसको बारे में निरंतर गान करते हैं। राष्ट्र सुभक्ते रेड्याम भव्याम, राष्ट्र सुभक्ते सुभक्ते रेड्याम मतलब हुआ राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्त राष्ट्र सुभक्त जैसे शब्द है लिखा हुआ, राष्ट्र सुभक्त यानी राष्ट्रभक्त देशभक्त, रेड्याम रेड्याम मतलब होता है स्तुति करना, राष्ट्रभक्तों के द्वारा देशभक्तों के द्वारा जिसकी स्तुति की जाती हो, कैसी भव्याम जो कि बहुत ही विशाल है, ऐसी मातृभूमि भारत वसुधा को मैं वंदना करता हूँ। आइए अंतिम श्लोक पे, पांच श्लोक है पांचवा। नाना रत्न मणिभिर युक्ताम, जो कि नाना मतलब अनेक, रत्न मतलब रत्न, मणिभिर युक्ताम जो कि अनेक प्रकार के मणि रत्नों से युक्त है, परिपूर्ण है। हिरण्य रूपाम हरिपद पुण्याम, जो कि हिरण्य, हिरण्य मतलब होता है सोना स्वर्ण, जो कि हिरण्य पुण्याम, हिरण्य रूपाम जो कि स्वर्ण के स्वरूप है, स्वर्ण के समान है। हरिपद पुण्याम, हरिपद यानी हरि मतलब भगवान, भगवान के पद, पद मतलब चरण, से पुण्याम यानी पुण्य वाली है, जहाँ पर भगवान ने चरण रखे ऐसे पुण्य वाली भूमि कैसी है? हिरण्य रूपाम यानी कि सोने स्वरूप, सोने जैसी। पहला वाला शब्द था नाना रत्न मणिभिर युक्ताम, अनेक रत्न मणियों से परिपूर्ण युक्त, हिरण्य रूपाम स्वर्ण के समान, सोने के जैसी। हरिपद पुण्याम जहाँ पर भगवान के चरण पड़े, हरि के चरण पड़े ऐसे पुण्य वाली। राधा सर्वेश्वर शरणोहम, राधा सर्वेश्वर शरणोहम बोला गया है मैं राधा सर्वेश्वर कृष्ण की शरण में रहता हुआ वारम वारम वंदे रम्याम, बार बार वंदना करता हूँ नमस्कार करता हूँ। इस लाइन का अर्थ क्या हुआ? इस लाइन का जो लास्ट लाइन है इसका मतलब हुआ राधा सर्वेश्वर शरणोहम यानी शरणोहम, शरण में अहम, मैं शरण में मैं, किसकी? राधा सर्वेश्वर की यानी भगवान श्री कृष्ण के शरणों में मैं रहता हुआ वारम वारम वंदे रम्याम, बार बार नमस्कार करता हूँ। किसको? भारत के वैभव को, भारत की भूमि को। तो ये जो पाठ था आपने इसको ध्यान से सुना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। अब ये पाठ इसी के साथ यहीं पर विराम लेता है, पूर्ण होता है। इसके बाद अब आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ प्रश्नोत्तर और व्याख्या से संबंधित लिंक भी भेजे जा रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान से सुन करके देख करके पढ़ करके कॉपी में लिखना है, होमवर्क करना है और ये अनिवार्य है, आपको करना ही है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए, स्कूल लगने के बाद आपके होमवर्क चेक किए जाएंगे, इसलिए आपको होमवर्क ये करना है। और इसके साथ ही आपके बोर्ड की परीक्षाएं भी अगले वर्ष उसी समय होगी जिस समय होती थी। हो सकता है कि कोरोना महामारी के कारण थोड़ा सा आगे हो जाए, यानी एक सप्ताह शायद 5-10 दिन आगे हो जाए, लेकिन परीक्षा ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। तो आपको याद भी होना चाहिए, परीक्षा में बैठने के लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने घर में खाली समय में ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय का अध्ययन करें, इसके प्रश्नोत्तरों को, व्याख्याओं को और व्याकरण संबंधी जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, इनको पहचानें, याद करें और पढ़ें, अपने परीक्षाओं की तैयारी करें और होमवर्क भी करें। घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना का कहर इस समय भयानक स्थिति पर है। घर से बाहर ना निकलें, अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मुंह पे मास्क रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, अच्छा हेल्थी खाना खाएं, गर्म पानी पिएं और अपना बहुत ख्याल रखें। इसी के साथ ये पाठ यहीं पूरा होता है। अगले पाठ के लिए पुनः आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर बताएं कि अपने स्कूल का यह चैनल खुल चुका है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। नमस्कार।